अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अना मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एट चलतन प्योर। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको हम कैसे हेल्दी वे में डेवलप कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं उनके साथ, उनका ईटिंग पैटर्न, उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है फूड हैबिट्स बनाने की। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा हमेशा वो पैटर्न फॉलो करेगा जो उसके घर में किया जा रहा है, जो घर में सब करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, सिबलिंग्स करते हैं, या जो घर का एक इन्वायरमेंट है उसमें से ही वो ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करेगा। अगर आपके घर में जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें, फ्रोजन फूड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का रुझान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगा। अगर आपके घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो फिर आप बच्चे को मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न हेल्दी डेवलप करने का तो ये है कि पहले आप खुद उस चीज़ से रुके जो आपने बच्चे को सिखानी है। दूसरी बात कि अगर आपके घर में कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं और आपके घर में फ्रिज में कोक पड़ी हुई है, आप जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं चिप्स और बिस्किट्स, निमकोज आती हैं, और लेकिन आप ये कहते हैं कि बच्चे को हम कहें कि वो ना खाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके फादर जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या वो जूस पी रहे हैं उसके सिबलिंग्स, तो और हम ये कहें कि छोटा बच्चा है वो ना पिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो आपको मिमिक करता है बच्चा हमेशा, तो आप कोशिश करेंगे वो ग्रॉसरी में से वो चीज़ें ना लेकर आए जिसका आप बच्चों को, जिसकी आदत नहीं डालना चाहते हैं, वो चीज़ें जो अनहेल्दी हैं। फिर इसके अलावा एक फैमिली पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फैमिली गैदरिंग, फैमिली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ईटिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। कोशिश करें खाना जब टेबल पे लगता है बच्चे को अपने साथ बिठाएं और उसको अपने साथ, अपनी की तरह बच्चे की भी प्लेट रेडी करें और उसको खुद से खाने की आदत डालें। और अगर कोशिश करें कि हमारी टेबल पर जो कम्युनिकेशन की जा रही है वो हमेशा पॉजिटिव कम्युनिकेशन की जाए, अगर किसी के कोई फ्लॉज हैं, कोई इश्यूज हैं, तो वो बच्चे के सामने डिस्कस ना किए जाएँ, और बल्कि जो फूड है उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाए कि इट्स वेरी यमी, इट्स वेरी टेस्टी, और इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, ताकि बच्चे के लिए जो है उसके लिए अफेक्शन डेवलप हो, बजाय इसके कि उस फूड से वो रेबेलियस हो जाए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चे का फूड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने साथ बच्चे को उसमें हेल्प, बच्चे को कहें कि आप मुझे हेल्प करवाएं उसकी प्रिपरेशन में, ताकि वो जब वो उसको बनता हुआ देखेगा, उसकी मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा, तो बच्चे में एक चीज़ आएगी, जी आई मेड दिस, तो वो एक खुशी से बच्चा सबको बताएगा भी और वो चीज़ एंजॉय भी करेगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं और बच्चे में गुड हेल्दी पैटर्न्स या गुड हेल्दी फूड हैबिट्स जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अगर हम उसमें ऑप्शंस की बात करते हैं ना, तो कुछ ऑप्शंस हम बच्चों को अच्छे दे सकते हैं। नट्स वगैरह का इस्तेमाल स्नैकिंग में बच्चों को दे सकते हैं। वो बच्चे जो दूध तो बहुत शौक से बच्चे पी लेते हैं, लेकिन दूध में मीठा डाल के पीते हैं, जैसे उसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा डाल ली, हॉर्लिक्स डाल लिया, माइलो डाल लिया, तो ये इसमें स्वीटनर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइट शुगर जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बच्चों को ना दें। कोशिश करें अगर बच्चा दूध खाली नहीं पीता तो उसके अंदर कोई फ्रूट डाल के उसको कोई स्मूदी बना दें, नट्स डाल दें, उसको ग्राइंड करके नट्स डाल के दे दें, या अगर बच्चे ने चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद करनी है तो कोको पाउडर जो है वो आप उसको अंदर, या उसके अंदर डार्क चॉकलेट जो है वो जिसके अंदर 70-80% कोका होता है, आप वो डाल के बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है जी, इससे बच्चे की ईटिंग हैबिट्स जो है वो हेल्दी डेवलप होंगी। स्नैक्स में बच्चों को फ्रूट दे सकते हैं, आप नट्स दे सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट शेप्स के साथ कटे हुए फ्रूट्स हम उसको, उनको दे सकते हैं, डेट्स, और बच्चा मीठा अगर जैसे डोनट्स एंड ब्राउनीज बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उस फॉर्म में हम बच्चे को जैसे डेट्स और नट्स के बॉल्स बना के, खजूर और नट्स को ग्राइंड करके उनके बॉल्स बना लें, उसके ऊपर कोकोनट थोड़ा सा रोल करके और उसको बटर पेपर में रैप करके कैंडी की फॉर्म में बच्चे को दिया जा सकता है। तो ये कुछ हैबिट्स थी जो हम बच्चों को, हम खुद से प्रैक्टिस करके बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।